हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों ये है मेरी जर्नी का दूसरा पार्ट जिसमें मैं दूध सागर की ओर ट्रैवल कर रहा था। पहले पार्ट में आप लोगों ने देखा कि मैं कैसे बैंगलोर से हुबली तक पहुंचा। मेरी ट्रेन के बीच में हाफ एन आवर का गैप था। 8:30 मेरी यशवंतपुर हुबली एक्सप्रेस का टाइम था हुबली पहुँचने का, जो कि यहाँ पर 8 o'clock पहुँच गई थी, और 9 बजे अमरावती एक्सप्रेस थी जो कि हमें दूध सागर तक लेके जाने वाली थी। ट्विस्ट ये था दोस्तों कहानी में कि अमरावती एक्सप्रेस 5 घंटे की देरी से हुबली आने वाली है और मैं हुबली समय से काफ़ी पहले पहुंच चुका हूं। तो अभी हुबली में हम करेंगे कुछ टाइम पास। पहले करता हूं मैं ब्रेकफास्ट, फिर हमारी जर्नी शुरू होगी अमरावती एक्सप्रेस में हुबली से। देखते हैं, अभी एक्सपेक्टेड टाइम तो 12:30 का है। NTES जो कि रेलवे का ऑफिशियल ऐप है उसके हिसाब से ट्रेन को 10 बजे हुबली पहुँच जाना चाहिए, पर मेरा अप्रोक्सीमेशन है कि 12:30 के बाद आएगी। तो देखते हैं ट्रेन यहाँ पर कब पहुँचती है, और जैसे ही हमारी जर्नी शुरू होती है आगे की अपडेट मैं आप लोगों को देता हूँ। मीनवाइल अभी मैं करता हूँ ब्रेकफास्ट, उसके बाद शायद मैं हुबली में किसी भी जगह घूमने के लिए निकलूँगा थोड़े समय के लिए, क्योंकि 5 घंटे हैं, कहीं यूटिलाइज़ करते हैं। उसके बाद आप लोग को देखने को मिलेगा हुबली से मडगांव तक की फुल जर्नी, जिसमें दूध सागर घाट हमारी इंपॉर्टेंट रहेगी और वो देखने को मिलेगी। तो चलिए चलते हैं स्टेशन और करते हैं कुछ ब्रेकफास्ट, फिर चलते हैं बाहर घूमने। दोस्तों हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है और ये रहा हमारे सामने हमारे प्यारे भारत का झंडा, और शानदार रेलवे स्टेशन बना हुआ है हुबली जंक्शन का। हमारे जस्ट पीछे ही हैं वॉल्वो बसेस जो आपको हुबली के हर कोने में ड्रॉप करती हैं। हुबली में हमारी ट्रेन लेट हो जाने के कारण मेरे पास काफ़ी समय था, तो मैं चला गया उनकल लेक। लेक काफ़ी शांत और काफ़ी सुंदर थी, काफ़ी मज़ा आया। चलिए चलते हैं वापस से रेलवे स्टेशन। दोस्तों अभी बजा है 12, यानी कि 12 o'clock हो चुका है, और एक्सपेक्ट करते हैं कि 12:30 तक अमरावती एक्सप्रेस यहाँ आ जाएगी। मैंने जनरल का टिकट ले लिया है और मैं ट्रेन को बोर्ड करूंगा और TD से बात करके अपने टिकट कंफर्म करने की कोशिश करूंगा। स्लीपर में या AC में जिस क्लास में भी अवेलेबल होगा उसको बोर्ड करेंगे, ताकि दूध सागर को अच्छे से कैप्चर कर पाए। मेरे पीछे हुबली रेलवे स्टेशन आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर रेलवे स्टेशन है। तब से कुछ ही समय में अमरावती एक्सप्रेस आ जाएगी और हमारी जर्नी हुबली से अब शुरू होती है। दोस्तों फाइनली हम लोग हुबली जंक्शन से चल चुके हैं। और TD सर से बात करके मैं AC 2 टायर के कोच में बैठ चुका हूँ। वो आके जब उन्हें टाइम मिलेगा तो यहाँ से मेरी टिकट आगे की बना देंगे। मैंने जनरल की टिकट ले ली थी तो वो फेयर डिफरेंस मुझसे ले करके आगे की मेरी टिकट बना देंगे। और ट्रेन में लगे हुए हैं और हम लोग फाइनली चल चुके हैं हुबली जंक्शन से, जहाँ से हमारी गोवा की दूध सागर होते हुए जर्नी शुरू होती है, जो कि बहुत ही सुंदर होने वाली है। तो बने रहिएगा मेरे साथ, इस जर्नी को पूरा ज़रूर से देखिएगा। Thank you.
जब बात आती है जर्नी करने की तो मानसून से अच्छी जर्नी कोई हो ही नहीं सकती है। लगातार भयंकर बारिश में हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे थे और मैं रिकॉर्डिंग को बंद नहीं करना चाहता था क्योंकि ऐसा मौसम, ऐसी बारिश बार बार देखने को नहीं मिलेगी। ये रिकॉर्डिंग करने में मेरे दोनों कैमरे बुरी तरीके से भीग चुके थे, पर ये रिकॉर्डिंग मैंने नहीं रोकी। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। आप लोग सुन सकते हैं बारिश की आवाज़ को। ट्रेन में लगातार बारिश कैसे इस मौसम को और इस जर्नी को और भी इंटरेस्टिंग बना रही थी। हुबली से आगे की यात्रा मैंने अमरावती एक्सप्रेस में की, जो कि हावड़ा से आती है। गुंटकल में ट्रेन में स्लिप कोचेस लगाए जाते हैं काचेगुड़ा एक्सप्रेस के, और ट्रेन एक लिंक एक्सप्रेस बन के मडगांव होते हुए वास्को डिगामा तक पहुंचती है। ट्रेन में आगे की ओर दो डीजल इंजन लगे हुए थे जिनकी आवाज़ बहुत ही बढ़िया थी। मुझे इस जर्नी में बहुत मज़ा आ रहा था। यादगार बहुत ही सुंदर रही है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। जब से हम हुबली से चले हैं तो एल्को लगे हुए हैं ट्रेन के आगे, जिसकी वजह से आवाज़ भी बहुत सुंदर आ रही है। इतने सुंदर नज़ारे हैं, नॉन स्टॉप बारिश हो रही है। आपको मेरे साथ कैसा लग रहा है ज़रूर से कमेंट करिएगा। मुझे और अच्छा लगता है और मोटिवेशन मिलता है ऐसे और मौसम में आकर आप लोग के लिए वीडियो बनाने का, जब आप लोग किसी चीज़ को अच्छे से देखते हैं, एनालाइज करते हैं। आपको अगर पसंद आती है इन्जॉय करिए आप लोग भी मेरे साथ इन व्यूज़ को। मैं अगर आप लोग से कम बात करूं तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये नज़ारे ऐसे हैं जिनको देखने में ही असली मज़ा आएगा। ऐसे मौसम में वड़ा पाव खा के मज़ा ही आ जाता है, और ख़ासकर जब रूट हो गोवा का। अब हम लुंडा जंक्शन से चल चुके हैं और कुछ ही समय में, लगभग आधे घंटे में हम लोग दूध सागर घाट देखने वाले हैं। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ उसके लिए, आप लोग भी बने रहिए। मौसम बहुत अच्छा है, मज़ा आने वाला है। और अब हम लोग जंगलों से होते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि है दूध सागर। अगर आप कैमरे में पड़ने वाली बूंदों को ध्यान से देखें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बारिश कितनी ज़्यादा हो रही है, और लगातार बारिश के कारण मेरी और कैमरे की हालत क्या हुई है।
दोस्तों अभी हम आ चुके हैं कैसल रॉक स्टेशन। यहाँ से दो बैंकर लोकोमोटिव्स ट्रेन के पीछे तरफ लगाए जाते हैं क्योंकि यहाँ से खड़ी चढ़ाई शुरू होती है। अगर आप मौसम को ध्यान से देखें तो धुंध वाला मौसम है और लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में रेलवे ट्रैक के आसपास की जो घास है वो बहुत हरी और चमकदार हो गई है, जिससे ट्रेन हमारी और सुंदर लग रही है। हमारे सामने खड़ी है एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। किसी भी समय किसी भी आपातकालीन स्थिति में ये ट्रेन जल्द से जल्द अपनी मदद पहुंचाने में सक्षम है। अगर आप लोग इसके ऊपर डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए, मैं ज़रूर आपके लिए एक वीडियो लेकर के आऊँगा। हमारी ट्रेन अपनी आगे की यात्रा की ओर बढ़ रही है और अब हम लोग घुस रहे हैं धुंध और कोहरे के मौसम में। इस कोहरे का अलग ही नशा है। इस शानदार मौसम में जंगल और घाट में गूंजती ट्रेन की आवाज़ और दो डीजल लोकोस की आवाज़ बहुत ही बढ़िया लग रही थी। अभी तक ये जर्नी बहुत ही यादगार बहुत ही सुंदर रही है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। जब से हम हुबली से चले हैं दो एल्को लगे हुए हैं ट्रेन के आगे, जिसकी वजह से आवाज़ भी बहुत सुंदर आ रही है। इतने सुंदर नज़ारे हैं, नॉन स्टॉप बारिश हो रही है। आपको मेरे साथ कैसा लग रहा है ज़रूर से कमेंट करिएगा। मुझे और अच्छा लगता है और मोटिवेशन मिलता है ऐसे और मौसम में आकर आप लोग के लिए वीडियो बनाने का, जब आप लोग किसी चीज़ को अच्छे से देखते हैं, एनालाइज़ करते हैं, आपको अगर पसंद आती है। इन्जॉय करिए आप लोग भी मेरे साथ इन व्यूज़ को। मैं अगर आप लोग से कम बात करूँ तो ही अच्छा रहेगा क्योंकि ये नज़ारे ऐसे हैं जिनको देखने में ही असली मज़ा आएगा। Thank you.
आपको अभी तक के गुजरे हुए ये नज़ारे कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोगों ने इस रूट में कभी ट्रैवल किया है तो अपनी यात्रा को और आपने किस ट्रेन में ट्रैवल किया है कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा। इतने सुंदर सुंदर झरनों को पार करने के बाद अगर मैं अभी आपको दूध सागर दिखा दूँगा तो इन झरनों का मज़ा फीका पड़ जाएगा। तो अगले आने वाले पार्ट में डायरेक्ट हम लोग देखेंगे दूध सागर के झरने को और होगा हमारा अराइवल मडगांव में। सामने जो झरना आपको दिख रहा है वही है दूध सागर, इसको पास से मैं आपको दिखाऊंगा अगले वीडियो में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाइए ताकि जब वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर से मिले। हम आने वाले वीडियोज़ में ऐसे फिर मिलते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।